हमें राजन भारती जी को बनाए विधायक तो हमारा जीवन भविष्य बनेगा, न तो दतिया खतरे में है। दतिया में माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं और हम सभी उन्हीं को चाहते हैं। राज्य ने इतना विकास किया, कोई विकास नहीं किया, सारे विकास अधूरे पड़े हैं शहर में। दादा को क्या सरकार आना चाहिए? पंजाब भाजपा विकास तो हुआ है पर इस चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जनता आक्रोश में। सरकार तो कोई बनती है या फूल या वो पंजा, सरकार का बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सरकार, बीजेपी सरकार आना चाहिए क्षेत्र देश में भी और प्रदेश में। चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और चारों तरफ माहौल देखा जा रहा है और इस वक्त हम खड़े हैं दतिया विधानसभा के किला चौक पर। जो आम जनता से बात करते हैं, क्या है उनकी राय, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या विकास हुआ है? दादा के वजह से सबका विकास हुआ। नाम बताओ। कमलेश चौधरी। क्या विकास हुआ है दतिया में भाई? हर चीज का विकास है। क्या विकास? सड़कों का, पानी का, हर चीज का विकास है। क्या क्या सुविधा मिली हो? सुविधा हमें पेटी थी दादा ने, हम आज तक वैष्णो देवी नहीं गए। ये पेटी से कमाने के बाद हम वैष्णो देवी गए। किसको वोट दोगे? दादा को। क्या सरकार आना चाहिए? फूल के पंजाब भाजपा। भाजपा क्या रहा है, क्या विकास हुआ है दतिया में? हर चीज, हर क्षेत्र में, हर चीज में का विकास हुआ है दतिया में। मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, लॉ कॉलेज, यहाँ के बच्चा मास्टर, कलेक्टर, हर एसपी, पुलिस, हर कछु में विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बना दिया है और हर चीज का विकास हुआ है। और यहाँ तक कि महिलाओं की ज्यादा आपत्ति रहती थी, कोई महिला 8 बजे के बाद या 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती। आज महिलाओं की इतनी हिम्मत है कि 2:30 बजे रात के कहीं भी चली जाती, 2 बजे रात के निकल जाती हैं और घर वापस आ जाती हैं और वो भी सुरक्षित। यहाँ पानी की इतनी समस्या थी कि कभी पानी नहीं मिलता था, डिब्बों से रात रात भर पानी भरते थे लोग। और अब देखो कि घर में बिसलेरी का पानी 3री मंजिल तक जा रहा है, बिना टुल्लू के बिसलेरी का पानी 3 मंजिल तक जा रहा है। लेकिन जो स्थिति बदलाव की दिख रही है, क्या है बदलाव होना चाहिए? किस चीज का बदलाव? सरकार का बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सरकार, बीजेपी सरकार आना चाहिए क्षेत्र देश में भी और प्रदेश में भी। दादा जी, अभी दादा ने अभी भाषण दिए थे 22 तारीख को ठंडी सड़क पे। हाँ। एक हेमा मालिनी के ऊपर भी उन्होंने सबसे बोला था। हाँ। हेमा मालिनी को दतिया में नचवाया, कुछ महिलाओं के ऊपर भी उन्होंने बोला था, उसमें क्या कहना है आपका? वो उन्होंने गलत थोड़ी ना बोला था, ये बोला था कि मतलब हमने यहाँ जैसे दतिया वाले हम लोग इच्छुक रखते हैं कि किसी को देखने के लिए कोई भी अभिनेत्री हो या कोई भी बड़ा नेता हो, हम लोग इच्छुक रहते देखने की, हम इनका वो देखना चाहते हैं या कैसा है, कैसा लगता है, तो हम लोगों को पास से देखने का मौका मिला कि वो इधर आए तो हम लोगों ने देखा, दर्शन किए, उन लोगों के गीत सुने सामने से, तो हम लोगों को साकार हुआ कि हम विकसित हैं, हम लोग हर नेता से, हर व्यक्ति से मिल सकते हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति से। क्या नाम है? मेरा नाम रवि साहू है। माननीय मंत्री जी ने तो इतना कुछ किया मेरे लिए कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, जितना कहूँ उतना कम है। पढ़ाई हो, शिक्षा हो, यहाँ तक के गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था हो, यहाँ तक के लिए व्यापार की व्यवस्था हो। व्यापार तो व्यापार होता है, छोटा हो बड़ा, सुरक्षित अच्छी तरह से व्यापार करते हैं। अब उसी के कारण है आज मंत्री जी आए, बम्फर वोटों से आएंगे। मैंने माँ वैष्णो देवी पर जाकर भी दादा के लिए प्रार्थना की और प्रार्थना मेरी स्वीकार होगी और कभी बेकार नहीं जाएगी और दादा बहुत अच्छे वोटों से जीते। क्या नाम है? हमारा विपिन कुमार सरवरी है। क्या लगता है दतिया में? दतिया में जो है विकास किया है मंत्री जी ने, विकास के हिसाब से मंत्री जी। क्या लगता है, फूल आना चाहिए, पंजा आना चाहिए? नहीं, फूल आना चाहिए। इसलिए आएगा तो उसने विकास किया, गुंडागिरी खत्म कर दी, खत्म बात। और क्या चाहता है दुकानदार? गुंडागिरी ना हो, विकास हो। विकास की मांग में तुम देख ही रहे, सब कुछ पेपर पर विकास हो रहा है, नहीं हो रहा हो तो बताओ, बढ़िया का नहीं? जैसा कि हमारे साथ एक महिला और हैं, हम उनसे भी कुछ बात करना चाहते हैं। क्या नाम? चंदन। दतिया में बताइए क्या है? दतिया में बीजेपी आना चाहिए। एक तरफ रायन भारती है और एक तरफ माननीय नरोत्तम मिश्रा जी है, 2 बार 3 बार से तो विधायक बन चुके, क्या लगता है इस बार उनको क्या रिस्पॉन्स है? पार्टियां तो होती है मगर बीजेपी को ही आना चाहिए और दादा ही आएंगे। खुला समर्थन, खुला सपोर्ट भाजपा को देंगे। को तरफ से तो बीजेपी की सरकार ही आएगी, हम लोग पूरी कोशिश में करेंगे बीजेपी सरकार लाने। हम अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, सब लोगों को समझाएंगे कि सरकार आए तो बीजेपी की आनी चाहिए, हम वोट सर बीजेपी में ही देंगे। आचार संहिता लग चुकी है,
और चुनाव नजदीक है फिर भी दादा के कार बंद नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज भी लोकार्पण होते ही रहते। कलेक्टर साहब तो सोचते हैं रात दिन के जमीन कहाँ दें क्योंकि दादा के विकास ही इतने हो रहे हैं। हेमा मालिनी साहब तो पकड़ लिया लेकिन दादा ने जो इतने धार्मिक आयोजन कराए इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कराए उनका क्या? हम लोग कभी तो देखना चाहिए हम ना? लोग कभी ये नहीं सोच सकते थे कि हमारे दतिया में धीरज कृष्ण शास्त्री जी आएंगे, प्रदीप मिश्रा जी आएंगे। हम लोग कभी नहीं सोच सकते थे जो उन्होंने इतने बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया। वही आ गए लखवीर सिंह लख कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमें कुछ बोलोगे? मिश्रा जी है, मिश्रा जी आ रहे हैं, बिल्कुल पक्के में। कितना काम किया उन्होंने, क्या क्या सही कह रही हूँ। कुछ हमारे दर्शकों को भी बताइए क्या क्या काम किया। चेयरमैन देख रहे हैं बिल्डिंग कितनी बनवा रही है उन्होंने, 10 मंजिल की बिल्डिंग है, रोड चौतरफा रोड बने हैं। और क्या सुविधा हुई? दादागिरी बंद हो गई, 12 बजे रात की चलिया, कोई परेशानी नहीं है। क्या क्या स्थिति है दतिया की? फूल के पंजा क्या आना चाहिए? ये तो भाई साहब ऊपर वाले ही बताएगा, हम क्या बता सकते हैं। आपकी क्या राय है? अब जो भैया भगवान की राय है अपन क्या बताएंगे उसमें। सरकार तो दो ही बनती है, या फूल या वो पंजा। और क्या बताए, विकास बढ़िया चल रहा है इस टाइम पे, बेहतरीन अच्छा विकास चल रहा है इस टाइम। किसने किया विकास? अब वो तो मंत्री साहब ने किया है, बढ़िया विकास है, बढ़िया शांति है हर चीज से। क्या लगता है इस बार मंत्री जी को आना चाहिए कि राजन भारती हो? क्योंकि अभी तो भाई दोनों की बराबर टक्कर चल रही है। ईश्वर बता सकता, हम बताने से कुछ नहीं होगा। क्या स्थिति है दतिया की? दतिया की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। क्या कोई काम नहीं हुआ है? व्यापार बहुत ज्यादा खराब है, बहुत मंदा है, महंगाई बहुत है। रोजगार मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला रोजगार। इस बार क्या लगता है? इस बार ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की बन रही है? हाँ, कांग्रेस से रायन भारती है। हाँ, रायन भारती आ रहा है। मिश्रा जी की 2023 में विदा है। विदा हो जाएगी? बिल्कुल पक्का है। मिश्रा जी ने इतना विकास किया? कोई विकास नहीं किया, सारे विकास अधूरे पड़े हैं शहर में। हमारे दतिया के वरिष्ठ नागरिक अपना नागरिक झंडा गुरु जी से हम पूछते हैं दतिया के क्या हालात है, क्या स्थिति है बताइए। क्या स्थिति है दतिया की? कितना विकास हुआ है, कितना कार्य हो रहा है अभी? विकास तो हुआ है पर इस चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जनता आक्रोश में है। और दतिया की जो मूल समस्या है कि यहाँ कोई किसी की सुनता नहीं है, जब तक मंत्री जी का फोन ना आए। ये दतिया का वातावरण बना हुआ है। तो क्या लगता है आपको, किसकी सरकार इस बार आना चाहिए? वैसे तो समता मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है, ये चर्चा का विषय है पूरे मध्य प्रदेश में। दतिया के क्या हालात है? दतिया में कुछ भी हो सकता है, ये कह नहीं सकते क्या परिणाम आएंगे। लेकिन हमने सर्वे किया है, काफी विकास हो रहे हैं, लोग बिल्डिंगें खड़ी है, मेडिकल कॉलेज बनाया। विकास हम कब मना कर रहे हैं, विकास नहीं हुआ और कोई सुनने वाला नहीं है। विकास क्या करेगा? कोई अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं मिलते, सरकारी ऑफिस में कोई जाए हर बाबू को पैसा चाहिए, ऐसा विकास है। क्या नाम है? बलवीर। दतिया में चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरीके का माहौल चल रहा है दतिया में? अभी तो बढ़िया चल रहा है, अब जो समझ में नहीं आ रही है कौन का माहौल। रोजगार वगैरह मिला कुछ? आप ही चलाते रहोगे? आप ही चला रहे हैं अभी तो। क्या विकास हुआ, कुछ विकास हुआ है? विकास तो काफी हुआ। कितना विकास हुआ? बढ़िया। क्या क्या विकास हुआ? रोड बन गए, सड़कें बन गई और इमारतें बन गई बहुत काफी। क्या लगता है इस बार फूल खिलेगा कि कमलनाथ खिलेगा? अब ये नहीं बता सका था, अभी ये नहीं बता सका। नाम है? मेरा नाम देवेंद्र एरवार है। दतिया में क्या लग रहा है इस बार? दतिया में बदलाव चाहती है जनता। आपका क्या है, विकास हुआ नहीं हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं विकास नहीं हुआ, दतिया में विकास भी हुआ है बहुत, लेकिन इस बार जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाह रही है? क्या हुआ, क्या बदलाव चाह रही है जनता? जनता बदलाव चाह रही है, इनके शासन में भ्रष्टाचार बहुत है, दादा ने काम तो किया है, दादा दतिया के अंदर भ्रष्टाचार बहुत है जिनके शासन में, और आम जनता को बहुत परेशानी महंगाई से हो रही है। हमारे साथ एक महिला भी खड़ी हुई है, उनसे कुछ हम चर्चा करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम हंसमुखी लोधी। क्या है दतिया की स्थिति? दतिया की स्थिति बहुत गड़बड़ है, देखिए हम फैला लाए फिर रहे, आज तक तो कोई बेरोजगार नहीं मिला, और इतने पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, और आज दतिया की जनता बहुत पीड़ित है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि बदलाव ले वो चाह रहे,
के अच्छे कोई प्रत्याशी उतारे हैं, हमें राजन भारती जी को बनाए विधायक, तो हमारा जीवन भविष्य बनेगा, न तो दतिया खतरे में है नहीं बन पाए तो। आप तो कह रहे विकास नहीं हुआ, विकास तो हुआ है, रोजगार भी दिया है, मेडिकल कॉलेज भी बना हुआ है। अरे रोजगार दिया, मेडिकल कॉलेज की बात करें, अब वे भर्ती होते हैं एडमिट मरीज तो उन्हें ग्वालियर रेफर कर देते हैं, जहाँ से इंजेक्शन नहीं है, सही डॉक्टर नहीं है। विकास हुआ तो जो बग्घी खानो देख लो बगल में, जो ही फूटो डरो जो बेच दो, सिटी सेंटर है तो वो बेच दो जो विकास कर रहा है, देखो जो पैतृक संपत्ति थी सबरी के बेच दी, उन्हें अपनी कर ली जो विकास कर रहे हैं, सट्टा कट्टा और जुगा, इसमें गांजे का विकास हुआ है और जनता को दतिया में लूट का विकास हुआ है, कोई शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, कोई अच्छी पीएचडी कॉलेज नहीं है। आज हम एलएलबी करें, हम सो एलएलएम करें तो एलएलएम कॉलेज नहीं है अभी तक, और कोई पीएचडी नहीं है एलएलएम से कि हम कोई पढ़ सके आगे की पढ़ाई। क्या लगता है इस बार क्या गवर्नमेंट है? इस बार कांग्रेस सरकार आएगी और 150 सीटों से पार होगी कांग्रेस, भाजपा की तो खाते नहीं खुलेंगे, भाजपा की स्थिति बहुत खराब है, आम जनताओं पर अत्याचार, लूट डकैती, चोरी, गुंडागर्दी जो भाजपा करवाती है, कभी विकास के नाम पर तो बदनाम करती है। कृष्णा दुबे, आप युवा वोटर हैं, क्या चाहते हैं इस बार आप? दतिया में और मध्य प्रदेश में, दतिया में माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं और हम सभी उन्हीं को चाहते हैं। क्या है, कुछ आप युवा हैं, क्या आपको नौकरी कुछ वैकेंसी वगैरह क्या? हाँ सारी सब कुछ है, नौकरियां हैं भरपूर, सब निकल रहा है। एक निवेदन मेरा और है, जैसे कि अगर पक्ष विपक्ष की अपन बात करें, आजकल क्या है विपक्ष के पास कुछ खास कहने को बचा तो है नहीं है, सामने वाला ये कहता है वो ये कहने लगते हैं। कांग्रेस ही आजकल ये कह रहे हैं कि भैया पेट्रोल 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 की सरकार जो है 70 रुपये का पेट्रोल खरीद के 100 में क्यों बेच रही है, 105 रुपये में क्यों बेच रही है या 110 रुपये में क्यों बेच रही है, ऐसा पूछने वाले कभी ये क्यों नहीं पूछते कि सरकार जो है 35 रुपये किलो का चावल खरीद के आपको 2 रुपये में क्यों दे रही है, 40 रुपये की शक्कर खरीद करके आपको 2 रुपये में क्यों दे रही है, 40 रुपये का मिट्टी का तेल खरीद करके आपको 2 रुपये में क्यों दे रही है, और लाखों करोड़ों रुपये अध्यापकों को देख करके मुफ्त में शिक्षा क्यों बांट रही है, 6 करोड़ से अधिक शौचालय मुफ्त में क्यों बनवा रही है, 6 करोड़ से अधिक गैस चूल्हे मुफ्त में क्यों बांट रही है। केवल इन लोगों के लिए गुजरात के मोहनदास करमचंद गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू चाचा हो सकते हैं, मायावती सबकी बहन जी हो सकती हैं, जयललिता सबकी अम्मा हो सकती है, सोनिया गांधी इस देश की बहू हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और नरोत्तम मिश्रा जैसे इस देश के बेटे नहीं हो सकते। आखिर क्यों? दिक्कत ये नहीं है कि दाल महंगी हो गई, दरअसल दिक्कत ये है कि दाल गल नहीं रही है लोगों की, ये मेन जड़ ये है। तो इस बार क्या लगता है मध्यप्रदेश में? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में है, रहेगी, हमेशा रहेगी, केंद्र में भी है, प्रदेश में है, जिले में है, हर बूथ पे है। जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा।